Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. Aaj hum padhne lage hain, bada exciting sa ek lecture hai, that is role of gypsum. Role of gypsum in agriculture and industry, yani hum dekhenge ki agriculture ke andar, yani aapne jo fasle ugayi hui hain kya uske andar gypsum ka kirdaar hai ya nahi hai, aur hum ye dekhenge ki agar aapki industry hai, Allah taala aapko industry de to behal uske andar gypsum kaise banayi jati hai, kaise istemal hoti hai, ya iske reaction ke zariye se hum kya kuch naya bana sakte hain. To chaliye shuru karte hain apna chhota sa lecture, dekhte hain ye aapko kitni jaldi aata hai. Acha ek baat yaad rakh liya kare कि जब भी आप पढ़ें तो अपने पास अपनी पेन और कॉपी या नोटबुक लास्ट में रखा करें, ताकि आप वहां पे राइट करते रहा करें. जो चीज आप राइट कर लेते हैं, देखें आप क्या कुछ हो रहा है. हो ये रहा है कि आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं और आप लिख रहे हैं, यानी आपका ब्रेन उस चीज को मजीद एब्जॉर्ब कर रहा है. तो हर तरीके से आपके क्या हो रही है, एक तरह की रिवीजन हो रही है. एक दफा सुनकर रिवीजन हो रही है, एक दफा देखकर रिवीजन हो रही है, एक दफा लिखकर रिवीजन हो रही है, ठीक है ना. और जब आप सब कुछ लिख लिया करें, जब दोहराया करें, तो शीशे के सामने चले जाया करें. फिर क्या होगा, शीशे के सामने जोर से बोल बोल के क्या किया करें, लेक्चर याद किया करें. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो बोल रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं, मतलब शीशे के सामने भी रिवीजन. बहरहाल ये आपके पास एक छोटी सी टेक्निक थी, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर वो आप नहीं भी करना चाहते, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लिखा जरूर करें और अपने तमाम सेंसेस को बताया करें कि हम भाई ये चीज़ पढ़ें, ये चीज़ देख रहे हैं, यही चीज़ हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आप खुद बताएं कितना कमाल इम्पैक्ट होगा. असल में केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं है जितना कि हर कोई सोच लेता है कि भाई केमिस्ट्री जो है वो तो ऐसे कर लेंगे, या कुछ लोगों के लिए वो इतनी मुश्किल होती है, कहते हैं ओह केमिस्ट्री तो हो ही नहीं सकती, तो इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, छोड़ो कोई और सब्जेक्ट रख लेते हैं. तो ऐसी बात भी कोई नहीं है, ठीक है. केमिस्ट्री पढ़ी जा सकती है, कोई भी मुश्किल चीज़ जो आपके लिए आज मुश्किल है, ज़रूरी नहीं है वो कल भी मुश्किल रहेगी, वो आसान हो सकती है. लेकिन इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत. तो वो मेहनत कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको छोटा सा ये गोल बता चुका हूँ कि आपको असल में कंसंट्रेट करना है. यानी आप ये ना हो कि कानों के अंदर आपके कोई गाने बज रहे हों, हाथ से आप केमिस्ट्री लिख रहे हों और मुंह से आप जो है वो पापड़ खा रहे हों, तो क्या होगा, किसी चीज़ पर भी आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी. फिर आपका जो रिजल्ट होगा, जाहिर सी बात है वो उसी हिसाब से ही होगा. यानी केमिस्ट्री पढ़ते हुए पापड़ याद आ रहे होंगे, ठीक है, गाना सुन रहे होंगे तो उस दौरान भी आपको कोई केमिस्ट्री के दो तीन अल्फाज आ जाएंगे, केमिस्ट्री जो है वो सुना रहे होंगे तो साथ गाने के लफ्ज़ भी चल पड़ेंगे, तो क्या होगा, हर चीज़ का भाई फलूदा बन जाएगा. तो ये फलूदा आपने नहीं बनाना, आपने क्या करना है, आपने एक अपने आप को कंसंट्रेशन के साथ बिठाना है. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी है केमिस्ट्री के अलावा भी, तो अपना टाइम एडजस्ट कर लें कि भाई मैंने 15 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट जो अगर मैंने पढ़ना है तो इसमें सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, सुननी है, लिखनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना. मेरी बात समझ रहे हैं, यानी आपने कंसंट्रेशन अख्तियार कर ली, यही 15 मिनट आप बढ़ाते जाएं तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आपकी कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. और लिखे बगैर तो केमिस्ट्री नहीं आती, इसलिए मैं बार बार लिखने पर एम्फसाइज कर रहा हूँ. भाई लिख लिख कर भर दो रजिस्टर, जितना भर दोगे उतना आपको हो जाएगा फायदा, फिर बाद में दुआएं देंगे. ये बात बड़ी आसान लग रही है करने के अंदर और सुनने में शायद आपको अम्यूजमेंट फील हो रही हो, लेकिन ये चीज जब पैटिग्री करेंगे तो शुरुआत में आपको मुश्किल ही लगेगी. लेकिन आपने डरना नहीं है भाई, मुश्किल के बाद आसानी आती है, आसानी के बाद मुश्किल नहीं आती. यानी अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहें तो वो चीज आपके लिए और मुश्किल होती नहीं जाती बल्कि आसान हो जाती है. यही बात सिखा रहे हैं कि शुरू में आप अपने आप को प्रैक्टिस के काबिल बना लें, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आप होशियार होते जाएंगे. भाई अगर आप होशियार होकर बोलोगे ओ भाई केमिस्ट्री पढ़ता किससे है तू, फिर क्या कहोगे, सर उमैर अली खान से, ठीक है जी, ऐसे भी ठीक है कहना. बहरहाल जहाँ भी आप पढ़ते हैं, कॉलेज में, अपने इर्द गिर्द, हर किसी को, जहाँ जहाँ आप समझते हैं, आपको लगता है कि वो आपको आ रही है चीज़, समझ में आ रही है, तो आपको चाहिए लाजमी तौर पर उसका क्रेडिट ज़रूर दिया करें. पेरेंट्स को भी उनका क्रेडिट दिया करें, टीचर्स को भी उनका क्रेडिट दिया करें, और अगर इर्द गिर्द माहौल में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, उनको भी क्रेडिट दिया करें. इस तरह वो लोग आपके लिए और भी अच्छा कर पाएंगे और आपकी जो थिंकिंग होगी ना वो बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी, आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे. यानी आजकल के जितने आप ड्रामा देखोगे ना, आपको लगेगा जैसे भाई सारी की सारी मुश्किलात तो
हम पर ही पड़ रही हैं, यानी आप अपने आप को एक कैरेक्टर समझते हैं, सारी मुश्किलात आपके ऊपर आ जाती हैं, या अगर आप जिस कैरेक्टर को ड्रामा में देख रहे हैं सारी दुनिया की प्रॉब्लम उसी को ही है। तो बात यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं होता। वो जो ड्रामा है ना, वो डायरेक्ट करता है एक शख्स अपनी मर्जी से, ताकि वो उसको काफ़ी क्या बना सके, अट्रैक्टिव, लोग देखें, ओ यार एक बंदा है या एक बंदी है, वो पीछे जा रही है, सारी की सारी मुश्किल उसके ऊपर आन पड़ी है। तो आप समझ लेते हैं कि भाई हमारे साथ भी ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारी लाइफ चला रहा है कौन? गॉड। वही हमें सही तरह आगे लेके जा रहा है। उसे पता है किसको कितनी मुश्किलात से गुजारना है, किसको कितनी आसानियां देनी है, ठीक है, कब इंसान पर मुश्किल पड़ेगी, कब आसानी होगी, ये वो डिसाइड करता है, ना कोई ह्यूमंस या एक डायरेक्टर। तो हमारी लाइफ जो है ना, वो उस तरह की ड्रामाई बात नहीं है जैसे कि आप देखते हैं। बहरहाल, लाइफ को सिंपल करें, इसको खूबसूरत बनाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खुद क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, अपनी लाइफ को खुद ड्राइव करेंगे। ये ना हो कि माहौल में बहते जा रहे हैं, जहाँ पर चल रहे हैं सारे हम भी वहीं जा रहे हैं, जो दूसरों के साथ हो रहा है हमें भी वैसे ही चलते चले जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अपनी लाइफ की गड्डी खुद चलाओ, ड्राइविंग सीट पर बैठो, स्टेयरिंग को घुमाओ जहाँ दिल करे वैसे, तो तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लाइफ चलती है। ठीक है, ये छोटी सी बात है कि अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद चलाना सीखो। ये एक, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, अगर आप छोटे हैं तो आप बड़े होंगे यकीनन, तो वहाँ क्या होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि यार हमने तो सारा वक्त ज़ाया कर दिया, हम अपने आप के साथ ऐसा कर सकते थे। अगर हम मॉर्निंग में उठना चाहते हैं तो हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए, ये है गाड़ी का स्टेयरिंग चलाना। वरना गाड़ी के पीछे बैठे होंगे सीट के ऊपर, स्टेयरिंग खुद खुद चल रहा है या कोई और चला रहा है, तो भाई सुबह जब मर्जी होके उठे, नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा मॉर्निंग में। आपको अगर सोना है रात को, भाई आपने सोचा है कि मैंने 8 घंटे की नींद पूरी करनी है और सुबह मैंने उठना है फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock, तो क्या होगा, आपको उसके 6 घंटे पहले या 8 घंटे पहले जितनी आपने नींद सोची है वो सोना पड़ेगा, चाहे आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है, आप कोशिश करें आपको नींद आ जाएगी। तो बात यह है कि इसी तरीके से आपने कहा है जी मैंने चैप्टर तैयार करना है इस वीक में सारा का सारा, तो चैप्टर तैयार करें, यह है स्टीयरिंग को चलाना। ठीक है, ये ना हो कि हो जाएगा तो कर लूंगा भाई, नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्जी, नो, आपको खुद करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन के बगैर कोई भी रिएक्शन नहीं होता भाई। ठीक है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा अपने साथ, अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को चलाएं, देखते हैं कि आप कितना अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। बहरहाल, छोटी सी टिप थी आपके लिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज रोल ऑफ जिप्सम। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि जिप्सम का फार्मूला क्या है। बड़ा ही आसान फार्मूला है भाई, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट की होती है -2। -2 यहाँ भी आ जाएगा 2 बनकर और कैल्शियम यहाँ 2, तो दोनों जगह पर 2 आ जाए, सेम आ जाए, तो लिखते नहीं है। बहरहाल, ये कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला है। इस जब हम को बनाते हैं मतलब, तो यहाँ पर हमें कुछ पानी भी मिलता है, दैट इज 2H2O। तो आप बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये डायरेक्टली यूं भी बोल सकते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये जो पानी होता है ना, ये तब हमें हासिल होता है जब हम क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं। तो जब क्रिस्टल्स को हम मदर लिक्विड से या उस पानी से जिसमें आपने वो क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट की है, वहाँ से ये पानी आता है। इसको चूंकि ये क्रिस्टल का हिस्सा बन जाता है, इसलिए बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहरहाल, इसको छोटे क्लासेज में पढ़ाया जाता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आती होगी इसकी। लेकिन अब आपको याद हो गया, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो बहरहाल आसान बात हो गई। अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ कि ये जो कैल्शियम सल्फेट .2H2O है, ये कैसे काम आता है एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर में बात सिंपल सी है कि आपको फसलों की बात करनी है, पौधों की बात करनी है। और पौधे क्या करते हैं भाई, पौधे खुराक हासिल करते हैं कहाँ से, ज़मीन से। तो ज़मीन से खुराक हासिल करके अपने आप को बड़ा ताकतवर बना लेते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम असल में जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं उनका ख्याल नहीं कर रहे हैं। हमको काट देते हैं दरख्त वगैरह जो हमें बहुत से फ़ायदे देते हैं, फिर हम वहाँ पर उगाते हैं फसलें। अब फसल भी कैसे उगाते हैं, बार बार उगा रहे होते हैं। यानी अगर आपने एक दफ़ा गंदम उगा ली है, फिर कपास उगा ली है, फिर गंदम, फिर कपास, फिर गंदम कपास, या फिर गंदम 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 कपास कपास कपास, असल में एक प्रोसेस होता है ज़मीन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि आप एक फसल उगाएं, फॉर एग्जांपल आपने कपास उगा ली, कपास उगाने में क्या होगा, ज़मीन के कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब गंदम उगा लें, गंदम
हो सकता है, जैसे होता भी है, कपास जैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती उतने मकदार में, बल्कि वो थोड़ा डिफरेंट मिनरल्स को भी लेती है। इस तरह क्या होता है कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ मिनरल वहाँ मौजूद रहते हैं, जो कपास की वजह से ख़त्म हो गए थे वो कपास के लिए ज़रूरी थे, जो गंदम उगाई है तो गंदम के लिए वो मौजूद हैं। फिर गंदम के बाद आप घास उगा देते हैं, आप उसके बाद सपोज के लिए कोई ज़मीन को कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा खाली छोड़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कोई और फसल उगा लें, गन्ने उगा लें, फिर दोबारा से अब आप क्या करें वही तरतीब लेके चलते हैं, तो आपकी हर फसल पर कुछ ना कुछ मिनरल आपको मिलते हैं। जब आप आखिरी फसल उगाते हैं तो पहली गंदम के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिक्लेम हो जाते हैं, यानी ज़मीन पर वापस आते हैं। ठीक है, काफ़ी तरीक़ों से आ सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो बायोजियो केमिकल साइकिल्स, यानी जो केमिकल्स हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं बार बार लेकर आते हैं ज़मीन पर। ऐसा नहीं होता कि आसमान से आवाज़ आए भाई हट जाओ एक ट्रक आने लगा है कैल्शियम का, क्योंकि पिछली सारी की सारी फसल ने कैल्शियम इस्तेमाल कर ली थी, ठीक है ना, और फिर नया कैल्शियम आसमान से गिरा दिया जाए, ठीक है, या कॉपर गिरा दिया जाए या लोहे गिरा दिया जाए। नो, कभी भी ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है ज़मीन पे ये सब चीज़ें बार 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 आ रही हैं, ठीक है, जिनको हम साइकिल्स कहते हैं। तो बहरहाल अब साइकिल्स को कंप्लीट होने के लिए वक्त चाहिए, तो आप क्या करेंगे एक फसल को उगाकर जब दोबारा उसी फसल को उगाएंगे तो उसे काफ़ी वक्त दें ताकि वो साइकिल कंप्लीट हो जाए और इस तरीके से आपको नई फसल के ऊपर मिनरल्स मिले। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं कर रहे, बार बार एक ही फसल को ही उगा रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, एक फसल उगाई, फॉर एग्जाम्पल आपने गंदम उगाई, गंदम उगाने से क्या होगा जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जब मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा भाई वो ख़त्म हो गए, आपने दोबारा गंदम उगा दी, अब वही मिनरल दोबारा चाहिए फसल को जो अभी ख़त्म हुए हैं लास्ट फसल के ऊपर, फिर वो जो बचे कुछ होंगे वो भी अब्सॉर्ब हो जाएंगे और अब फसल क्या हो जाएगी डिप्राइव्ड, जितना उसको चाहिए था वो मिनरल उसको नहीं मिल रहे, अब क्या करें भाई, ये तो काम खराब है, फसल भी नहीं उगा सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंतज़ार नहीं कर सकते बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का, बल्कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से नाइट्रोजन ऐड करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से कैल्शियम सल्फर फॉस्फोरस, यही चीज़ कहलाती है आपके पास क्या फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम किसको, कैल्शियम सल्फेट को। तो इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं अपनी किताब के अतबार से वो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। चूंकि इसके अंदर क्या क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम का सोर्स है, और इसमें क्या है सल्फर, तो दो अहम चीजें जमीन को हासिल होंगी किससे, जिप्सम के जरिए से, जिन जिन जगहों पर रूट्स को शूट्स को या लीव्स को जरूरत पड़ेगी इन मिनरल्स की, तो आप वहां पर कैल्शियम सल्फेट ऐड कर सकते हैं। ये देखा गया है कि जहां पर आप जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं फसल में वो फसल ज्यादा अच्छी ग्रोथ करती है बनिस्बत उस फसल के जहां पर आपने जिप्सम का इस्तेमाल नहीं किया होता। तो यही चीज फर्टिलाइजर में जनरल ट्रेंड भी रखती है, यानी आप मोर फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उसके मोर एडवांटेज होंगे। लेकिन ये बात कीमती रहे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो अगर आपने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हद से ज्यादा कर दिया तो फिर फसल को नुकसान भी हो सकता है। एक पॉइंट ये भी कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने ऐसे पौधों का जिक्र करना है जो क्या बनाते हैं प्रोटीन, जैसे मिसाल के तौर पर आप बीज खा लेते हैं, बीज के अंदर क्या होता है, बीज के अंदर लिपिड्स भी हो सकते हैं, बीज के अंदर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो बात है कि ऐसे पौधे जिन्होंने प्रोटीन बनाने हैं स्पेशली या और भी उसके कंपाउंड्स, तो क्या होगा उनको चाहिए होगा सल्फर या कैल्शियम। तो इस तरह के पौधे क्या करेंगे इसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो अगर आप उनको जिप्सम प्रोवाइड कर देंगे तो दे विल प्रोड्यूस मोर फूड। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लांट्स फूड कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको ये वाली बात समझ में आ ही जाएगी बड़ी आसानी के साथ। आपको ये पता है कि अगर हम प्लांट की अहम तरीन हिस्से को देखें जो फूड प्रोडक्शन के एतबार से अहम है, दीज आर कॉल्ड लीव्स। तो लीव बहुत ही अहम है भाई, लीव का आपको कलर सबको पता है, जो लीव का कलर होता है बेटा वो होता है ग्रीन। अब सवाल ये है कि ग्रीन क्यों होता है भाई, लीफ ग्रीन क्यों होता है, तो इसका जवाब भी काफ़ी बच्चों को पता है, बिकॉज देयर इज़ अ पिगमेंट, पिगमेंट्स आर कलर कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो बहरहाल ये ग्रीन पिगमेंट कहलाता है क्लोरोफिल, तो अगर ये क्लोरोफिल होगा तो प्लांट ग्रीन होंगे भाई, प्लांट ग्रीन होंगे तो फोटोसिंथेसिस देखें, ये बड़ी पुरानी बात है जो आपको पता है भाई, क्लोरोफिल होंगे तो पौधे ग्रीन होंगे, ग्रीन होंगे तो क्या होगा वो खुराक तैयार कर लेंगे, वरना अगर पौधे अगर पीले हो जाए तो क्या हो गया हम कहते हैं मर गए। तो इसका मतलब ये है कि लीव्स प्रोड्यूस क्लोरोफिल फर्स्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल द
दे प्रोड्यूस मोर फूड और ग्लूकोज. ठीक है, बहरहाल वो हम बाद में कभी बायोलॉजी पढ़ते हुए पढ़ेंगे. बहरहाल क्लोरोफिल जो है ये पैदा करने के लिए या इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है सल्फर की. तो अब क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर सल्फर नहीं होगा तो प्लांट अच्छे क्लोरोफिल की मिकदार नहीं बना पाएंगे. सो सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोरोफिल. और सल्फर ना हुआ तो पौधे पीले 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 हो जाएंगे. तो पीले पीले हो गए तो फिर क्या होगा भाई, पौधे मर जाएंगे. एनीहाउ अब ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो ग्रेटली एनहांस होता है, बढ़ जाता है, रूट ज़्यादा बनती हैं भाई. ज़्यादा रूट बनेंगी तो ज़्यादा क्या होगा, उनका एक रूट सिस्टम बनेगा, ज़मीन में रूट्स पेनिट्रेट करेंगी, ज़मीन से ज़्यादा ज़्यादा मिनरल को अब्जॉर्ब करने की वजह बनेगी. ठीक है, और ज़्यादा पानी लेंगी. अगर रूट ही ना अच्छी बने तो प्लांट किस तरह से सर्वाइव करेगा, डिफिकल्ट ना. तो इस तरह से हम ये भी कहते हैं कि सल्फर का एक इंपॉर्टेंट यूज जो कि जिप्सम से आ रहा है, ये भी है कि प्लांट अपने रूट सिस्टम के लिए सल्फर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छे बढ़ने वाले पौधे बन जाएं. क्या आपको एक बात पता है कि जमीन में जो क्या होते हैं मिनरल्स, वो बहुत ही सुपरफिशियल लेयर पर होते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉइल. यानी अगर आप ये कहो कि ज़मीन खो दें तो ज़्यादा मिनरल हासिल हो जाएंगे, तो ऐसी बात भी नहीं है. ज़मीन पे जो बेसिक मिनरल के पाए जाने की एक बड़ी मिकदार होती है वो सॉइल में होती है, और सॉइल अंदर नहीं होती, सॉइल ज़मीन की सतह पे होती है. इवन कि जो फसलें हम उगाते हैं तो आप समझ लें कि जो ऊपर की जो सतह है ज़मीन है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट उसकी विड्थ हो सकती है, 1.5 इंच 1 इंच 2 इंच, थोड़ी सी मिकदार है ये. तो वो जो ऊपर की सतह है इट इज रिच इन मिनरल्स. ठीक है, इसका नाम सॉइल है. तो सॉइल के अंदर एक्चुअली हमें मिनरल्स को मेंटेन करना होता है, ना कि जमीन के अंदर. मतलब आप अगर मिनरल वाले पहाड़ के ऊपर जाके पौधा उगा दें, भाई अंदर से मिनरल खुद ही ले लेगा, इट विल बी डिफिकल्ट. ठीक है ना, क्योंकि सॉइल से बीज निकलता है, बीज फटता है, रूट्स बनती हैं, वो रूट्स बहुत ही नरम होती हैं, बहुत ही नरम, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजबूती पकड़ती हैं, जमीन परकुलेट करती हैं, अंदर भिजती चली जाती हैं, रास्ता बनाती हैं, तब वो जमीन पर जाकर गढ़ती हैं. तो डायरेक्टली ये नहीं कि आप रूट अंदर चला जाएगी और मिनरल बाहर निकाल के ले आएगी. बहरहाल ये एक्सट्रैक्शन मुश्किल होती है, इसलिए सॉइल के अंदर मिनरल्स को या मिनरल्स की जो क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक मिकदार है वो मेंटेन करना जरूरी है. तो एक यहां पे एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड लीचिंग. यानी यह कह लीजिए कि मिनरल्स की लीचिंग थ्रू द सॉइल. होता ही है कि अगर सैलाब आ जाए, बारिश ज़्यादा बरस जाए, तो वो जो बारिश आएगी या पानी आएगा बारिश का, तो उससे क्या होगा, वो जो मिनरल्स है ना सॉइल में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे किस में, पानी के अंदर. अब वो पानी मूव तो करेगा भाई, मूव करता हुआ या तो नहरों में चला जाएगा, खालों में चला जाएगा, या फिर सीप करेगा, यानी ज़मीन के अंदर रिश्ता चला जाएगा. अब क्या हुआ, सॉइल में जो मिनरल्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए ज़मीन के अंदर चले गए. अब क्या हुआ, सॉइल डेफिशिएंट हो गई मिनरल्स से. अब ये सॉइल अच्छी नहीं है, तो इसलिए ऐसी जगह जहाँ बारिशें ज़्यादा हों या सैलाब आ जाते हों, उन ज़मीनों पर भी हमें क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है. तो जिप्सम इज़ वन ऑफ द फर्टिलाइज़र. तो यहाँ पर भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जहाँ पर एक्सटेंसिव लीचिंग होती है, ज़्यादा लीचिंग होती है, वहाँ पर भी जिप्सम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. तो लीचिंग का मैं पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूँ, यह आपने अच्छी तरीके से बात समझ ली है. देखें, लीचिंग अगर हो जाए तो काम आएगा कौन, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम. क्लोरोफिल अगर ना बन रहा हो तो कौन काम आएगा, जिप्सम. ठीक है, और अगर आपकी ज़मीन के अंदर किसी भी मिनरल की कमी हो तो वहाँ पे भी काम आएंगे फर्टिलाइज़र, ये तो आसान बात है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर. भाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है, इंडस्ट्रीज़ बड़ी आसान सी तरीकेकार है. आप देखो, खुद सोचो कि आप देखते हो भाई इंडस्ट्री में बेशुमार प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. बड़ी सिंपल सी बात है. देखिए, मैं इसकी एग्जांपल कुछ यूँ देता हूँ आपको. आपने एक लफ्ज़ सुना होगा दैट इज़ कॉल्ड POP, और इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, कुछ लोग इसको सफ़ेद मट्टी बोलते हैं, कुछ लोग चाक मट्टी बोल देते हैं, मतलब अलग अलग नेम है. ठीक है, कभी आपका हाथ टूट गया हो या पैर, ठीक है, अगर टूट जाए तो भी बहरहाल, तो उसमें होता ये कि क्या होगा, डॉक्टर एक पट्टी लगाएगा आपके हाथ पे ऐसे करके, और उस पर पानी भी डालेगा और पानी के अंदर भिगो के भी लगाएगा वो एक्चुअली. तो क्या होगा, वो कुछ देर के बाद सख्त हो जाएगी, फिर आपका हाथ भाई हिलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा. फिर यहाँ से एक आपके पट्टी बांध के गले में डाल दी जाएगी, ठीक है, या फिर उसे आप कह सकते हैं एक आर्म सपोर्ट दे दी जाएगी, और फिर आप यूं ही करके फिरेंगे ऐसे करके. यहाँ भी जाएंगे, ये देखो क्या दिखाओगे, हाथ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस. यस, दैट बैंडेज इज कंपोज्ड ऑफ
या आप कह सकते हैं वो अच्छी तरह भरी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये खासियत है कि जब उसको पानी के साथ गूंद कर आप कुछ बनाएं, जैसे उसने तो आपके हाथ के वो चढ़ा दी, इस तरह आप कोई गुड़िया बना लें, कोई टॉय बना लें, कोई छोटे बर्तन बना लें या जो आमतौर पर बिकते भी बाजारों के अंदर, तो क्या होता है वो सख्त हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसी शेप में आ जाता है. कभी आपने क्या कहते हैं छतें देखी होंगी जिसको वॉल सीलिंग बोलते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती हैं. बहुत सारे होटल्स के अंदर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बने होते हैं तो वह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बना कर उस पर कलर करते हैं या उसके ऊपर कुछ चीज़ें चिपकाते वगैरह हैं. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है हमारे इर्द गिर्द. ठहर अच्छा वो है क्या ये तो पहले देख लें. होता ये है कि आपके पास कैल्शियम सल्फेट है CaSO4.2H2O. मैं इसको डबल कर देता हूँ. डबल से मुराद क्या है, ये भी डबल हो गया, वाटर भी डबल हो गया. वाटर पहले कितना था भाई, वाटर पहले था टू वाटर मॉलिक्यूल, अब कितने हो गए फोर. अब फोर मॉलिक्यूल्स में से हमें तीन मॉलिक्यूल निकाल देने. भाई देखो तीन मॉलिक्यूल निकालते हैं गर्म करके, जब आप इसे गर्म करेंगे हीट करेंगे तो देखो पहले कितने थे भाई चार, टू टू जो फोर, अब कितने रह गए एक. लेकिन CaSO4 कितने हैं आपके पास, वो है टू. तो आप लिख दें CaSO4 ट्वाइस. और प्लस में आप क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे वो जो तीन पानी के मॉलिक्यूल निकल गए, वो कुल चार थे ना भाई, तीन ये रहे और एक ये चार. तो इस तरीके से आप चारों के चारों पानी के मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं. लेकिन क्या हुआ है, चार में से तीन निकल गए, उड़ गए, ये आपके पास अब पानी मौजूद नहीं है, ये वाला मौजूद है. सो दैट इज कॉल्ड POP. इसका इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया है. अब इर्द गिर्द बहुत सारी जगहों पर ये वाइट कलर का देखेंगे जो काफी हार्ड हो जाता है पानी में डालने के बाद. लेकिन अगर हम यहाँ पे एक बात और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब के बार हम बड़ा स्ट्रॉन्गली हीट कर देते हैं, तो स्ट्रॉन्गली हीट करने से क्या होगा, सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे. तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट. अगर आप यहाँ पे कंसिडर कर लें कि यहाँ पे कोई भी टू नहीं लिखा हुआ तो फिर ये अकेला, अगर ये टू लिखा हुआ है तो आपको यहाँ टू लिखना पड़ेगा और प्लस जितना पानी है वो बाहर निकल जाएगा H2O. ठीक है, मैंने कंसीडर किया है कि मैंने टू नहीं लिखा है ताकि आसानी रहे. कैल्शियम सल्फेट अलग कर दिया और वाटर मॉलिक्यूल अलहदा कर दिए, और अगर आपके पास टू लिखा है तो यहाँ टू आएगा, इधर फोर आएगा. तो बात यहाँ पर ये कहने की है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये आपके पास अब क्या रह गया, कोई पानी वाला नहीं, मतलब एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट. और इसका एक नाम भी है जो कि MCQs में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, और वो क्या है, दैट दिस इज कॉल्ड डेड बर्न्ड. क्योंकि कैल्शियम सल्फेट के पास पानी रखने की एक आदत होती है, तो क्या होगा, अब इसके बाद पानी नहीं है, ये क्या करेगा, अगर आप इस डेड बर्न्ड को कहीं रख दें तो अगर इर्द गिर्द नमी है तो वो नमी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने पर क्या होगा, पानी की जो मिकदार है वो अपने अंदर मेंटेन कर सकता है. लेकिन इस सूरत में क्या होगा, जो नमी है वो कम हो जाएगी. तो जहां आपको नमी कम करनी है वहां पे आप डेड बर्न्ड कैल्शियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये जो टेम्परेचर होगा, मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हो कितना टेम्परेचर, तो हम बोलते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा बचपन में आपने ये वाली बात तो देखी होगी कि इस तरह से आपने वो गुड़िया ली होंगी, अगर आप गुड़िया को भी देखते थे, अब तो खैर ऐसा नहीं होता, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं खिलौनों के तौर पर. तो हमारे वक्तों में ऐसा होता था, मतलब हम बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं लेकिन इतने पुराने ज़रूर हैं कि हमने वो चीज़ें देखी हैं कि घर में शो पीस के तौर पर या छोटे मोटे गुड़िया या कोई खूबसूरत सा कोई बर्तन वो बिकते थे और सांचे होते हैं उसके. जैसे फोन में मैं एक बात करता हूं कि ये आपके पास एक सांचा है, यानी आप इसको बोल लो मोल्ड. ठीक है, और इसके मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस तरह की कोई शेप बनी हुई है. ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये जो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, मतलब डेड बर्न नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की बात हो रही है, ये आपने इसके अंदर पानी में डालकर गूंद कर समझ लीजिए जो बहने के काबिल हो, मतलब अभी वो इसमें भर देना है. ये आपने सारा भर दिया, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये एक केमिकल चेन से गुजरेगा. वही केमिकल चेन आपने याद रखनी है, वो केमिकल चेन कुछ ऐसे है, मैं लिखता हूँ CaSO4, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस H2O, और अब ये क्या होगा,
सेटिंग होगी इसकी, इसे हम बोलते हैं कि ये कुछ तब्दीली से गुजर कर किसी हालत में सेट होने जा रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? सेटिंग। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग है तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर ये सीमेंट होता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय सीमेंट बोलते हैं। इस दौरान होगा ये कि ये अपनी शक्ल तब्दील करेगा, अंदर क्रिस्टलाइज होगा और इसके बाद की शक्ल हो जाएगी कुछ ऐसी CaSO4.2H2O, जैसे जिप्सम का फार्मूला था। लेकिन ये बात इतनी यहाँ पर अहम नहीं है जितनी बात यहाँ पर ये समझने को अहम है कि इसकी एक स्पेशल या कह लीजिए स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक। अब ये तो ऑर्थोरोम्बिक है, ये थोड़ी ट्रांजिएंट स्टेट है, मतलब दरमियानी है। ये क्या कर रहा है? अंदर फैल रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। भाई एक्सटेंशन से क्या होगा? देखो भाई यहाँ पर छोटी छोटी खाली जगह हैं, तो शुरू में जब आप इसे डालोगे तो ये ऐसे पड़ा होगा, लेकिन जब अब इसमें तब्दीली आएगी, सेटिंग होगी, तो ये सारी जगहें भरेंगी, इवन के जो खदो खाल होंगे वो भी, ठीक है ना। यानी सारे के सारे हम कहते हैं इंप्रेशंस, जो आपके खदो खाल होते हैं इंप्रेशंस, यानी इवन के अगर आपकी ये उंगलियां भी उसे टच हुई हुई हैं और जब आप इसे हटाएंगे तो आपकी उंगलियों के जो निशान हैं या इंप्रेशंस हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस पर आ जाएंगे। वो जो गुड़िया की नाक है ना, वो जो आँख है, जो उसकी तेजी है या कह लीजिए उसकी शार्पनेस है, वो शार्प होकर आपको वो मोल्ड, वो सांचा, वो गुड़िया का मॉडल दिखेगा। तो ये एक अहम चीज़ है। एक दफ़ा मैं नेशनल ज्योग्राफिक पर प्रोग्राम देख रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई एक बड़ा सा ना पैर का निशान है। पैर का निशान से मुराद ये कि वहाँ से एक बड़ा सा कोई गोरिल्ला गुजरा था जिसको वो देख नहीं पाए थे, लेकिन चूंकि नीचे कीचड़ था तो जब उसने पाँव रखा तो क्या हुआ, उसके पाँव का निशान वहाँ पर बन गया। अब उन्होंने सोचा कि ये इम्प्रेशन तो ऐसा सा ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी भर जाएगी, पानी अगर आ गया तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, अब इसको महफूज करना है। तो वो उसको कैसे महफूज करते हैं, ये बड़ा कमाल की बात देखी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सॉल्यूशन बनाया और उस जगह में, यानी जहाँ उसका पैर पड़ा था, जैसे तो वह दब गई थी जगह, तो वह एक सांचे की तरह बन गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने, यानी मोल्ड, सांचा या मोल्ड एक ही बात है, तो वो उसमें उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया। कुछ देर के बाद क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस ना अब सख्त हो गया, और सख्त होने के बाद उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस को निकाल लिया और जो उसका शेप थी, जितनी बड़ी शेप थी, जितने, यानी समझ लीजिए कि अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट चाह रहा था जितने सेंटीमीटर्स या जितने मिलीमीटर बड़ा, वो ही उसको इम्प्रेशन मिल गया था। तो ये भी कमाल की बात है कि हम किसी चीज़ को जो ज़मीन पर पड़ी थी महफूज कर कर आप लैब में ले गए, वहाँ पर उसको उसकी पैमाइश कर सकते हैं और उसकी क्या कहते हैं वॉल्यूम को देख सकते हैं, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इम्प्रेशन कितने बड़े जानवर का होगा, उसमें कितनी सारी गोश्त होगा, वो किस तरह बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि ऐसी बात है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक हम नज़र लगा सकते हैं बहुत चीज़ों के बारे में। बहरहाल ये एक नई डिस्कशन है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर कोई रात के बाद कोई चोर आया था आपके घर, उसके पाँव का निशान रह गया है, तो वो भी CID वाले क्या कर सकते हैं, इम्प्रेशन लेकर जा सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस्तेमाल गिने नहीं जा सकते, बहुत सारे हैं। बहरहाल ये एक इंडस्ट्रियल यूज़ था। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो ये कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम डिफरेंट चीज़ों के साथ या डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सेटिंग टाइम है, देखें सेटिंग टाइम थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। जब ये काम चल रहा था ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक से इसकी शक्ल मजीद तब्दील होती है नई क्रिस्टल्स में, और वो है मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक। अब बात याद ये आती है कि ये जो कंप्लीट टाइम लगा है, ये लगा है सपोज कीजिए 20 मिनट्स, ठीक है, इससे कुछ कम और इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट में नमी कितनी है, या एनवायरनमेंट खुद क्या कहते हैं खुश्क करना कर रहा है। एनवायरनमेंट नमी नहीं होगी तो जल्दी जल्दी से ये खुश्क हो जाएगा, बहरहाल ये एक अलग बात है, लेकिन 20 मिनट्स लग गए। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, कभी आपने मजदूर मिस्त्रियों को देखा होगा, क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मसाला। मसाले से मुराद क्या है? मसाले से मुराद ये है कि एक मजदूर होता है, वो डालता है क्या, सीमेंट, रेत या बजरी डालता है, और उसके अंदर पानी डालता है और उसको फिर अच्छी तरह से गूंथ देता है। ये क्या बन गया जी? ये बन गया मसाला, मतलब एक पेस्ट बन गया जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो उसको तगारी में डालेगा या एक बर्तन में डालेगा और दे आएगा मिस्त्री को, मिस्त्री उसको क्या करेगा, अच्छे तरीके से दीवार के ऊपर लगाएगा और फिर उसके ऊपर ईंटें लगाता जाएगा। इस तरह क्या होगा, दीवार बनती जा रही है, और वो जो तगारी है या वो जो बर्तन है वो वापस दे देगा मजदूर को। मजदूर जाएगा नीचे, नीचे जाने के बाद क्या करेगा, वो दोबारा से जब उसको भरने लगेगा किसको, मसाले को, वो चलेगा मसाला तो सख्त हो गया,
यहां से वो सीमेंट सख्त हो गया, वहां से मिस्त्री का भी सख्त हो गया। चलो मिस्त्री की तो ईंटें जुड़ गई, लेकिन मजदूर का इतना सारा मसाला जो वो जाया कर गया, ये क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। फिर ऐसा करने से कैसे बचाया जा सकता है? वो ऐसे कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर दें जिससे क्या हो, सेटिंग टाइम, सख्त होने का वक्त बढ़ जाए, यानी बजाय इसके कि वो 20 मिनट हो, वो आधा घंटा, पौना घंटा, जब तक के पूरा मसाला इस्तेमाल ना हो जाए उस तक वो सख्त ना हो। तो बहरहाल मैंने आपको छोटी सी बात बताई है कि इसी तरीके से हम सोचते हैं कि सेटिंग टाइम को कैसे बढ़ाया जाता है। यानी जिप्सम को आपने देर से खुश्क होने वाला बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नई चीजें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्ले ऐड करेंगे, जब तक कि वो जो पॉटर है वो अच्छे तरीके से डिजाइन बनाकर एक मूर्त तश्कील ना दे दे, उस वक्त तक प्लास्टर ऑफ पेरिस सख्त नहीं होगा, बल्कि वो तब्दील होने के काबिल होगा। उसमें उसकी नाक, आंख, हाथ, जो उसने बनाना है वो बना लेगा, फिर उसके बाद छोड़ देगा। इतनी देर में मतलब आधा घंटा, पौना घंटा गुजर चुकेगा और फिर वो सख्त होगा। तो आपको बात समझ में आ गई कि सेटिंग टाइम को हम बढ़ाकर भी कुछ फायदे उठा सकते हैं। तो थोड़ी सी यहां पे पॉइंट्स लिखे हमारे बुक में, वो कुछ इस तरह से हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, सेटिंग टाइम बढ़ानी है। तो सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए वो कहते हैं जी आप ऑयल डाल दो। ऑयल जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेट होगा, ठीक है, तो ऑयल डाल के वैसा किया जा सकता है। या फिर आप ग्लू डाल दो, ग्लू चिपकाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होती है, तो वो आप डाल दें प्लास्टर ऑफ पेरिस में। इस तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस को थोड़ा देर लगेगी खुश्क होने में, यानी सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ केमिकल्स जैसे कि एलम, जिसको आप बोलते हो फिटकरी, वो एलम की एग्जाम्पल है, ठीक है, या बोरेक्स Na2B4O7। और फिटकरी का फार्मूला याद है या भूल गए हो, पुरानी क्लास में लिखा था K2SO4, Al2SO4 thrice, .24H2O। बहरहाल डिफरेंट केमिकल्स को भी ऐड करके जब आप, ये असल में ये चीज़ें ऐसी हैं जब ये भी खुश्क होती हैं, जैसे ऑयल तो खुश्क हो गया तो ख़त्म, लेकिन अगर आप बस एलम मजबूत हो गया तो बहुत ही मजबूत चीज़ बनेगी। तो यही बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सख्त तो कर रहा है, लेकिन अगर आप उसमें कैसे केमिकल्स ऐड कर दें जो खुद भी बहुत सख्ती देते हों, तो आप ऐसे हार्ड फिनिश प्लास्टर बना सकते हैं जिनको आप वो चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो काफ़ी मजबूत होनी भी चाहिए। क्या आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो किससे बनता है? पल्प से, या कह लीजिए दरख्तों की छाल से, एक प्रोसेस करने के बाद, यानी एक ख़ास प्रोसेस होता है, उसमें आप पहले पल्प तैयार करते हैं और फिर उस पल्प से पेपर तैयार करते हैं। वही पल्प अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में डाल दें, आप आसान उसको समझ लें तो ये एक तरह का सेलुलोज फाइबर से बना हुआ होता है। तो क्या होगा, उसमें गूंद कर जब आप उसको एक क्या कहते हैं बंद कर देंगे, भींच देंगे, कंजस्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो एक मजबूत शक्ल इख्तियार करेगा जिसको आप हार्ड बोर्ड बोलते हो। इसके जरिए से मुख्तलिफ जगहों की कबर्ड्स बनाई जाती हैं या पार्टीशन लगाई जाती हैं, कमरों में सजावट के तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये जो आपके पास बोर्ड्स होते हैं वो भी आप बना सकते हैं, और बात कर सकते हैं जिप्सम को आप ऐड कर सकते हैं पेपर के साथ। इस तरह पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी जिप्सम का कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। छोटी छोटी बातें हैं, मुश्किल नहीं है, लिखते जाएं आसान हो जाएंगी। इसमें कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा तरतीब कर लिया करें, जैसे यह मैंने लिखा है सबसे पहले कि जिप्सम है क्या, जिप्सम के दो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स, सल्फर की इम्पॉर्टेंस क्या है स्पेशली लीव्स के साथ। फिर हमने जिक्र किया कि हम बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस हमने बहुत सारे पढ़ लिए, ठीक है। और फिर हमने ये भी कहा कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, दूसरे कंपोनेंट्स के साथ मिलाकर ना सिर्फ सेटिंग टाइम बढ़ा सकते हैं बल्कि हार्ड किस्म का प्लास्टर भी बना सकते हैं, और इसके जरिए से यानी पल्प के जरिए से आप बोर्ड बना सकते हैं जो आप इम्तिहान में लेके जाते हैं ना समटाइम, अगर आपको याद हो के जिसको हम एग्जामिनेशन क्लिप बोर्ड बोलते हैं, तो अक्सर औकात वो जो गत्ते इस्तेमाल होते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ उसमें अच्छे से मुराद है कि वो वाइट कलर के ऊपर तय होती है बगैर चिप बोर्ड की तरह, तो वो आपको देखने को मिलते हैं। बहरहाल हर जगह आपके छोटे मोटे ऊपर नीचे कमरे में, दीवारों में, सजावटी चीज़ों के अंदर, ठीक है, और क्या कहते हैं लकड़ी के अंदर, पेपर के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सा यूज़ है। तो यही चीज़ आपने भी बना बना कर लिख देनी है मुख्तलिफ हेडिंग्स में, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बट ये आपका जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इम्पॉर्टेंट है। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।